हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेज आप लोगों का ऋषिलाभ चैनल में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आशा कर रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने CGL के लगभग सारे चैप्टर को कवर हम लोगों ने कर चुका है, ठीक है। आज से हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन के जो छूटे हुए जो टॉपिक्स थे, जो 3D के टॉपिक्स छूटे हुए थे। 2D तो हम कवर कर लिया था, 3D के जो टॉपिक्स छूटे हुए थे आज हम लोग उसी को कवर करेंगे क्या करके सारे को, ठीक है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, मेंसुरेशन 3D। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से, तो क्यूब से करते हैं। ओके, ध्यान दे रहे हैं, क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है, घन, ठीक है। घन तो जानते ही हैं, घन कैसा दिखता है, घन हमारा कैसा होता है, ये हमारा हो गया, ठीक है, समझते हैं। ये यहां से आए, इस तरह से मिला दिए, हमारा ये घन बन गया, ठीक है। घन, घन का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, घन होता है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं, जैसे यहां देखेंगे, ये हमारा क्या है, भुजा ए है नीचे, ओके। ये भी हमारा क्या है, ए हो, ये ए है, मतलब हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा, ओके, घन कहलाएगा, उसी को बोलेंगे। इसमें हमारे क्या पूछे जाते हैं, इसके वॉल्यूम पूछे जाएंगे, वॉल्यूम आयतन, ठीक है। क्या होता है हमारा, ए क्यूब होता है, ए क्यूब मतलब साइड क्यूब, ठीक है। मतलब क्या करते हैं ना, ध्यान देंगे, जब भी हम लोग किसी भी फिगर का निकालेंगे वॉल्यूम, ध्यान देंगे, कैसा फिगर होना चाहिए कि जिसका बेस और हाइट, जिसका बेस और टॉप वाला फ्लोर, समझना, ये बेस हमारा ये हो गया और टॉप हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा, अगर सेम हो दोनों, ठीक है, दोनों का फिगर एकदम एक जैसा दिखे, तो उसके हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं कैसे, बेस नीचे के लेते हैं, बेस का एरिया इंटू क्या करते हैं, हाइट करते हैं। तो बेस हमारा कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर, और हाइट हमारा कितना है, ए ही है, तो गुना कर देंगे ए से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर गुना ए कर देंगे तो क्या हमारा, ए क्यूब आ जाता है, तो यही हमारा है। ध्यान देंगे हमेशा एक चीज का, यही चीज का ध्यान देंगे, किसी भी फिगर का अगर निकालना क्या हमें, हम अगर वॉल्यूम निकालना हो, अगर बेस और उसका टॉप दोनों सेम हो, एक जैसा हो, तो उसका एरिया क्या होगा, बेस के एरिया इंटू हाइट कर देंगे, ओके। आगे चलते हैं, आगे ध्यान दे रहे, अब हमारा क्या होता है, एक इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, क्या था, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर क्या होगा, किसका निकालते हैं, जो हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग जो भी स्क्वायर का निकालते थे, क्या करते थे, इसका अगर एरिया निकालने बोलता था तो ये सामने निकालते थे, क्योंकि इसका एक ही फेस दिखता था। 2D में हम लोग करते थे, इसका एरिया अगर निकालना होता था, टोटल सरफेस एरिया अगर बोले या एरिया बोले, तो बात एक ही है, तो क्या निकालते थे, इसका सिर्फ सिंपली एरिया निकालते थे, क्योंकि एक ही फेस दिख रहा है। पर इसमें अगर देखा जाए हमारा, किस घन में, क्यूब में, तो इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस मतलब 6 चेहरा होते हैं। जैसे एक आगे से दिख रहा है, एक हमारा इसके पीछे अपोजिट होगा, एक हमारे यहाँ टॉप में है, तो एक हमारे क्या बॉटम में होगा, 4 हो गया, एक हमारा राइट में है, तो एक हमारे क्या लेफ्ट में होगा, ठीक है। जैसे 6 फेस है, 6 फेस क्या होता है हमारा, स्क्वायर शेप में होता है, क्या करेंगे, 6 का एरिया निकाल लेंगे, तो 6 का एरिया निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा, एक का एरिया ए स्क्वायर, 6 का निकालेंगे, 6 से गुना कर देंगे क्या होगा हमारा, 6A² हो गया टोटल सरफेस एरिया, ओके। आगे समझते हैं, फिर इसी में क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम लोग, अगर इस टोटल सरफेस एरिया में से बेस का एरिया और टॉप का एरिया जो हमारा है उसको हटा दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 6A² में से एक हमारा बेस का एरिया है और एक हमारा टॉप का एरिया है, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 4A² होगा,
होगा। अब यही 4S² एक क्या बोलते हैं ना, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या फिर इसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलते हैं। चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। जब हटा देंगे ना तो ये हमारा नीचे वाला है और ऊपर वाला हट गया तो क्या बचेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। जैसे आप रूम से समझ सकते हैं, सर रूम में क्या होता है, एक हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, एक हमारा अपर फ्लोर होता है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर को हटा देंगे क्या बचेगा हमारे पास, चारों को दीवार ही बचेगा चारों तरफ से। तो वही बोला जाता है चारों चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, 4A² हो जाएगा, ठीक है, जब हम लोग टॉप और बॉटम को हटा देंगे तब, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, आगे समझते हैं। ठीक है, जैसे फिर से बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसी में अब क्या पूछता है कि जो हमारा फेस है, फेस का डायगोनल बताएं। फेस समझ रहे हैं, फेस मतलब चेहरा, चेहरा मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब ये भी हमारा जो बेस में है, या तो ये, ठीक है, या तो ये जो हमारा है, ठीक है ना, चेहरा कोई भी हो सकता है। अगर उसका एरिया उसका डायगोनल बोलेगा, सबसे बड़ी भुजा बोलेगा निकालने के लिए, सबसे बड़ी जैसे बोला जाता है ना कि हम लोग स्क्वायर में लोग देखे थे, जैसे कोई भी स्क्वायर हो, क्या हो गया, जैसे हमारा क्या है, कोई भी स्क्वायर था, ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड जो अगर निकालना होगा, सबसे बड़ी भुजा हमारे निकालना होगा, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये तिरछा ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो वही चीज बोला जा रहा है, अगर फेस में देखा जाएगा तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कोना से ये कोना लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, ध्यान देंगे, यही होगा ना, इसको इस कोने से ये कोना होगा हमारा सबसे बड़ा फेस में। तो इसका हमारा डायगोनल के डायगोनल क्या होता है हमारा, ध्यान देंगे, अंडर रूट ऑफ 2a होता है, हम लोग स्क्वायर से जानते हैं, स्क्वायर में पढ़े थे, अंडर रूट ऑफ 2a। जब अंडर रूट ऑफ 2a होता है तो अगर इसी में बोला जाएगा कि इस रूम में, मान लीजिए ये रूम हमारा है क्यूब का, इस रूम में सबसे बड़ी अगर बोला जाएगा, सबसे बड़ा अगर हमें लाठी लगाना हो, अगर बंबू हमें इसे फिट करना हो सबसे बड़ी, ठीक है, अगर सबसे बड़ी रस्सी लगानी हो, हम लोग रस्सी कहाँ से लगा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो ध्यान देंगे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस कॉर्नर पर लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे क्या होगा, सबसे बड़ा वाला निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, या तो इस कॉर्नर को लगा दीजिए यहाँ कहीं पर, आप समझ सकते हैं रूम में, अगर रूम में ही हमें लगाना हो, ध्यान देना है, आप रूम से समझिए, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा क्या क्यूब आकार का है मान लीजिए, ठीक है, ये क्यूब शेप का है, एक्चुअली तो ये क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, फिर भी मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर बोला जाएगा, अगर फेस का बोला जाता कि डायगोनल क्या होगा सबसे बड़ा, तो ये कोना से ये कोना लेते हैं फेस वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर फेस बोला जाएगा तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, अगर हमें बोला तो इसी रूम में सबसे बड़ी अगर हमें लगाना है रस्सी लगाना है, तो सबसे बड़ी रस्सी क्या करेंगे ना, तो इस कॉर्नर से लेकर के ये कॉर्नर, ध्यान देंगे ये कॉर्नर दिख रहा है, और इस कॉर्नर से हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पर लगाएंगे, इस कॉर्नर से नीचे वाले, इससे यहाँ से यहाँ, वही चीज बोला जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग अगर लाठी लगाना है, बांस लगाना है, तो उसकी लंबाई क्या होगा वो हम लोग याद करेंगे कैसे होता है, समझेंगे, तो ध्यान देंगे ये हमारा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2a हो गया, ठीक है। अब हमें ये यहां से यहां लगाना है, तो ये जो हमारा बनेगा यहां पर, ध्यान देंगे ये जो बनेगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए, जो भी होगा हमारा, जो भी हम लोग जैसे लगा रहे हैं, और यहां से नहीं, यहां बनेगा ना, एक मिनट, यहां बनेगा ना 90 डिग्री, ध्यान देंगे ये बनेगा हमारा क्या 90 डिग्री का बनेगा, तो ये जो हमारा क्यों बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि हमारा क्या है, रूम है, रूम का हाइट है,
ये हमारा क्या है, बेस है, जैसे बेस हो गया ना, ये हमारा हाइट है, ये बेस है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी आ रहा है तो ये हमारा क्या हुआ 90 डिग्री का ही बनेगा, कहीं पर भी एंगल जैसे कहीं पर भी बनाइएगा 90 डिग्री का ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो वही चीज है, समझेंगे, तो हमारा क्या आएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या यहां से यहाँ है, रूट अंडर रूट 2a है, ये हमारा क्या a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे ये वाला हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा 3a स्क्वायर हो गया, रूट हटाएंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a हो जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा इस रूम का सबसे बड़ा बांस की लंबाई हो जाएगा, बायस के बायस बोला जाएगा या रस्सी बोला जाएगा, लाठी बोला जाएगा, किसी तरह के भी जो भी बोला जाएगा, सबसे बड़ा डायगोनल हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा डायगोनल बोल दिया जाएगा, ठीक है, समझ में। अगर डायगोनल्स बोला जाएगा तो डायगोनल्स कैसे निकाल लेंगे उससे भी, ठीक है। तो हमारे थे कुछ पॉइंट्स, ये बेसिक से पॉइंट्स थे, ये हमें इतना ध्यान रखना है, इतना पता होना चाहिए बेसिक सा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, ये फॉर्मूला हमें तो पता ही होना चाहिए, इतना सारा चीज ये सब कैसे कैसे आया है, ओके आगे चलते हैं। एक मिनट, गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है, इसी में आगे समझते हैं, जैसे ध्यान दे रहे हैं, मान लीजिए कभी कभी क्या एग्जाम में पूछा जाता है ना, मान लीजिए कोई कोन है, कोन बोल रहे हैं सॉरी क्यूब है, अब बोला जाएगा क्या कि क्यूब के ऊपर क्यूब के बगल में एक और क्यूब रखा जा रहा है, अंदर ये हमारा क्या हो गया क्यूब हो गया, इसमें बोला जाएगा कि एक और क्यूब यहां रखा जा रहा है, इसी के बगल में एक और क्यूब रखा गया, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं एक क्यूब के बगल में एक क्यूब और रख देंगे, तो बोला जाएगा क्या कि इसका वॉल्यूम बताएं, तो इसका वॉल्यूम तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली एक का निकाल करके दो से गुना कर देंगे हमारा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, एक का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक का वॉल्यूम होता है एक क्यूब होता है, दो का निकालने के लिए दो से गुना कर देंगे, अगर इसमें तीन लगा देता तीन तीन क्यूब एक साथ तो 3a क्यूब हो जाता है हमारा, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा काफी सिंपल है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं आता है, समझने में कहां दिक्कत आएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया में, ध्यान देंगे टोटल सरफेस एरिया में हमें समझना है, टोटल सरफेस एरिया इसका आखिर होगा क्या, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान दे रहे ये हमारा क्या भुजा था ए भुजा, ये भी हमारा क्या होगा ए होगा, इसका ब्रेथ ए हाइट ए सब कुछ हो गया, अब जो ये दिख रहा है अब ये किस तरह के शेप का हमें दिख रहा है, क्यूबॉइड शेप का दिख रहा है, इस तरह से का दिख रहा है क्यूबॉइड, ठीक है, तो यहीं पर हमें हम लोग थोड़ा सा ना क्यूबॉइड को भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे, पहले क्यूबॉइड को देख लेते हैं यहाँ पर फिर से दोबारा आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्यूबॉइड के बारे में पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है घनाभ, फिर वापस यहां आएंगे, घनाभ क्या होता है कोण क्यूब की तरह ही होता है हमारा, बस क्या होता है इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होता है, होता तो है मेरा किस तरह का क्यूब की तरह ही दिखेगा, पर क्या होगा इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों डिफरेंट होगा, ठीक है, ये लेंथ हो गया हमारा, ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया हाइट हो गया, अब इसका वॉल्यूम बोला जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अभी हमने बताया था वॉल्यूम जब भी निकालना हो किसी भी फिगर का जिसका बेस और टॉप दोनों का सेम हो, बॉटम और टॉप दोनों का एक जैसा दिखे, दिख रहा है ना यहाँ रेक्टेंगल दिखेगा, इसका भी दिख रहा है, अगर टॉप देखेंगे ये भी रेक्टेंगल ही दिखेगा, ठीक है, तो क्या होगा इसका एरिया, तो क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस का एरिया क्या होगा एल इंटू बी करेंगे, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी कर देंगे और इंटू क्या करते हैं हमें हाइट करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम एल बी एच हो गया, आयतन, आयतन तो ये हो गया हमारा, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से क्यूब में निकाला था, क्यूब में क्या किए थे सारे फेस का एरिया का निकाल के उसके बाद सम कर दिए थे,
तो इसमें उसमें कितने फेस थे, छह फेस थे, यहां भी कितने होंगे, छह फेस होंगे, छह चेहरा होंगे, पर छो चेहरा डिफरेंट होगा, कहने का मतलब दो दो चेहरे सेम होंगे, मतलब कहने का मतलब जो एक सामने वाला होगा उसी का पीछे वो बराबर होगा, इसका जो टॉप होगा वो बॉटम का होगा, ठीक है, जो लेफ्ट होगा वो राइट होगा, मतलब दो दो का पेयर बनेगा, कहने मतलब तीन दिख रहा है ना, तीन बराबर बराबर है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आप ध्यान दे रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बेस पर ध्यान देंगे तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा हमारा एल इंटू बी, और टॉप का भी हमारा क्या हो जाएगा एल इंटू बी हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या होगा, दो बार ए टू इंटू एल प्लस टू इंटू एल इंटू बी हो जाएगा, दो बार गुना होगा ना, दो होगा क्योंकि नीचे एल इंटू बी ऊपर भी एल इंटू बी, दो हो गया, ठीक है। उस तरह से देखेंगे हमारा सामने का फेस भी दिखेगा, तो सामने के फेस में क्या दिखेगा, हमारा ब्रेथ दिखेगा और हाइट दिखेगा, सॉरी सामने फेस में क्या दिखेगा, लेंथ दिखेगा ना और हाइट दिखेगा, लेंथ और हाइट दिखेगा, तो वहां भी दो वो होगा, टू इंटू लेंथ इंटू हाइट हो गया। उस तरह से देखेंगे ये वाले साइड वाले में देखेंगे तो ब्रेथ दिखेगा और हाइट दिखेगा, तो क्या जाएगा, टू इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, ये हमारे क्या जाएगा टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर कॉमन ले लेंगे दो दो कॉमन ले लेंगे क्या जाएगा, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एस प्लस एल इंटू एच, यही हमारे क्या आता है टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, समझ में आया टोटल सरफेस एरिया कैसे निकला, ये आगे चलते हैं। उस तरह से क्या होता है, ये लेटरल सरफेस एरिया जिसे को बोलते हैं टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारी का क्षेत्रफल, ये अक्सर नया टर्म पूछने लगा है, जो लेटरल सरफेस एरिया है ना आजकल नया पूछने लग गया, पहले पूछता था एरिया ऑफ फोर वॉल्स डायरेक्ट पूछता था, अब पूछता है लेटरल सरफेस एरिया बोल देता है, इसी को ना बोल करके इस तरह से पूछता है, ठीक है, तो सब घबराना नहीं है, अगर लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देगा तो हमको क्या निकालना है, एरिया फोर वॉल्स ही निकालना है। तो इसका क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ध्यान देंगे क्या करेंगे, बॉटम और टॉप को हटा देना है, जिस तरह से हम लोगों ने क्यूब में हटाया था, यहाँ भी हम लोग ऊपर और नीचे को हटा देंगे, ऊपर नीचे को हटा देंगे तो ये वाले हमारा गायब हो जाएगा, कहाँ गया, ये वाले हमारा गायब हो जाएगा, सॉरी ये गायब होगा ना, ये हमारा गायब हो जाएगा, ऊपर नीचे हटा देंगे तो बचेगा क्या, यही दोनों बचेगा, ये दोनों जो बचेगा इसमें देखेंगे क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, तो दो कॉमन आ रहा है और एच कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया हमारा, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है हमारा क्या, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट भी बोलते हैं, मतलब परिमाप गुना ऊंचाई, ठीक है, तो क्या होगा, एरिया फोर वॉल्स हो गया। इसी में बोल देगा अगर डायगोनल्स पूछ दिया जाएगा तो फेस का डायगोनल्स क्या होगा हमारा, फेस का डायगोनल्स ये हो गया हमारा, क्या होता है फेस का डायगोनल हम लोग जानते ही हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, फेस डायगोनल लिख देते हैं ना, फेस डायगोनल, ठीक है, हम लोग रेक्टेंगल में देख चुके हैं, जब ये इतना होता है हमें क्या निकालना है, फिर इस कोने से उस कोने का निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक का निकालना है, तो ये हमारा क्या होगा, यहां से यहां 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हम अगर जमीन पर अगर ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, सामने है ना, सामने का फेस है, तो नीचे वाला बेस वाला, अगर ये हमारा क्या होगा डायगोनल हो गया, फेस का डायगोनल, और इसी के ऊपर हम लोग लाइन दे देंगे, ठीक है, हमारा इसी पर 90 डिग्री का ही बनेगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है, जिसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसे भी कुछ है नहीं वैसे समझाने का, आप लोग रूम पर भी देख सकते हैं, जैसे रूम पर आजमाइएगा, जैसे कॉर्नर पर चले जाइए, कॉर्नर पर एक रस्सी लाइन खींचिएगा फ्लोर पर, ठीक है, डायगोनल्स का, फिर उसी के ऊपर से हम लोग बनाएंगे, क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा, तो वही चीज है हमारा 90 डिग्री का बनेगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ के लेंथ निकल गया, क्या है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है एच होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हुआ इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे एच स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है डायगोनल हो जाएगा, सबसे बड़ी लाठी लगाने का बम्बू लगाने का यही हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी रस्सी,
ठीक है, डायगनल यही होता है हमारा, ध्यान देंगे किसका, क्यूबॉइड का। इतना पॉइंट्स बेसिक सा पता होना चाहिए ताकि हम लोग किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन को कर पाए। ओके समझ में। तो वापस आते हैं अपने पिछले सेक्शन में जो हम लोग कर रहे थे क्यूब वाले में, ठीक है, तो चीज समझ में। इस चीज पर ध्यान देना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ क्यूबॉइड, 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये होगा। ओके आगे चलते हैं। अब इसी ग्राफ में निकाल रहे थे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे थे। अब देखिए ये जो क्यूब है हमारा, अब किस रूप में दिख रहा है, किस तरह के रूप में दिख रहा है, तो क्यूबॉइड के रूप में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब हमारा लेंथ हो गया क्या, 2a हो गया, 2a हो गया है ना, बड़ा हो गया, तो लेंथ 2a हो गया, मतलब अब ब्रेथ से अलग हो गया, लेंथ ब्रेथ तो बराबर नहीं रहा, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहां पर, अब किसका फॉर्मूला, क्यूबॉइड वाला जो टोटल सर्फेस एरिया होता है। टोटल सर्फेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है, अभी हम लोग ने देखा क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी करेंगे तो एल हमारा क्या है, 2a है, अब बी हमारा कितना है, a है, तो 2a इंटू ए करेंगे तो क्या होगा, गुना कर देंगे क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस, उसी ढंग से अब अगला क्या होगा हमारा, b इंटू एच होता है तो b इंटू एच करेंगे तो ब्रेथ हमारा इतना, a हाइट इतना है, तो a स्क्वायर प्लस, फिर क्या होता है, एल इंटू एच होता है तो एल हमारा कितना है, 2a इंटू एच हमारा कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे कितना होगा, दो तो चार अब एक पाँच, पाँच दूनी दस, ए स्क्वायर हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 10 ए स्क्वायर हो गया। ठीक है समझ में। तो एग्जाम में हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने में बैठना नहीं है हमें कि पहले हमको क्यूब बनाना है, सो क्यूबॉइड बनाना है, फिर इतना करेंगे तब आएगा हमारा ये 10 ए स्क्वायर, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। बस बेसिकली हमें ध्यान देना है क्या, जैसे ही दिख जाए क्या बोल देगा, क्यूब है, क्यूब को क्यूब को जोड़ करके एक और बनाया जा रहा है, क्यूब दो क्यूब को जोड़ना जा रहा है, दो क्यूब को जैसे ही जोड़ेंगे तो पहले तो हम जानते थे क्या होता था हमारा, 6a स्क्वायर होता था पहले, और इसका भी क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा दोनों का, मान लीजिए ई क्यूब था ई ए क्यूब था, दोनों का क्या होगा, 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर, पर होना कितना चाहिए था हमारा, 12a स्क्वायर होना चाहिए था, पर हुआ कितना, 10a स्क्वायर, देख रहे हैं ना, समझिएगा 10a स्क्वायर हुआ, मतलब क्या हुआ ना, कहीं पर माइनस हुआ, माइनस क्या हुआ देखेंगे, माइनस क्या होता है ना, ये पोर्शन ध्यान देंगे, ये जो हमारा बन रहा है ना फेस, ये फेस है, ये इधर भी है, इस कोन इस क्यूब का और इस क्यूब का दोनों का फेस यहाँ मिल रहा है, जब दोनों का फेस मिलेगा तो वो फेस क्या होगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर से आ रहा था जो ये क्यूब था, इधर से ये क्यूब था, दोनों मिल गया, दोनों मिलने के बाद क्या एक बन गया, तो एक जब बन गया तो इस फेस को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो देखेंगे तो ये जो पहले से तो मेरा था, पहले वाला में इसका एक फेस गायब हो गया, तो कितने फेस बचा अब नया वाले में, 5a स्क्वायर होगा, क्योंकि पाँच फेस बचा था, 5a स्क्वायर होगा, और दूसरे में भी कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10a स्क्वायर हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। इसी में अगर एक और जोड़ दिया जाता, ध्यान दे रहे हैं, अगर इसी में एक और जोड़ देते हैं तो उसका क्या हो जाता बताइएगा, कितना होता, इसका पांच होता, लास्ट वाले का कितना होता, पांच होता, जितना फेस आपको दिख रहा है ना, समझिए कि उतना का एरिया निकाल लेना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका कितना दिखेगा, इसका पांच ही दिख पाएगा, एक नहीं दिखेगा, इसका कितना दिखेगा, अगर इधर इधर एक बिठाएंगे कितना दिखेगा, पांच दिखेगा उसका, तो पांच पांच दस हो गया। अब इसका बताइएगा बीच वाले जो रहेगा को क्यूब, उसका कितना दिखेगा, उसका हम लोग चार ही फेस देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि एक फेस इधर ढक गया, एक फेस इधर ढक जाएगा, दिखेगा कितना हमारे पास, चार फेस दिखेगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कितना भी बोल सकता है, दो तीन चार आगे जितना भी लगा दे, या इसके ऊपर बैठा दे नीचे बैठा दे, तो हम लोग सारे कर पाएंगे, बस फेस पर ध्यान देना, जितना फेस दिखेगा हम लोग सिंपली उसका उतना एरिया निकाल लेंगे। ओके जितना दिखते चले जाएगा उतना का एरिया हम लोग निकालते चले जाएंगे, बेसिकली हमें उतना ही ध्यान देना है। आगे चलते हैं क्यूबॉइड में ही देखते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड में जैसे एक पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में इस तरह इस पॉइंट पर पूछे जाते हैं,
सब पॉइंट को नोट करते चलिएगा जो भी है, ठीक है। वो पूछे क्या जाते हैं, इसे बोल दिया जाए क्या कि कोई क्यूबॉइड है जिसका बेस का एरिया एक्स है, सामने वाला जो फेस दिख रहा है ठीक है उसका एरिया वाई है, और जो हमारा लेफ्ट साइड में है उसका एरिया जेड है, ठीक है। एक्स ये है तो ऊपर भी तो एक्स ही होगा, इधर जेड है तो इधर भी जेड ही होगा, इधर अगर सामने वाई है तो पीछे भी वाई ही होगा। ये क्या है, हमारा एरिया है। अगर इतना एरिया दिया हुआ हो तो बोला जाए क्या है, किसका वॉल्यूम निकाले। साइड ना देकर के अब क्या दे दिया है, उसका एरिया दे दिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, क्या होगा देखेंगे, ध्यान देंगे। हमारा क्या होता है, ये लेंथ होता है, ये हमारा क्या होगा ब्रेथ होगा, ये हमारा क्या होगा हाइट होगा, ठीक है। हम लोग इसका कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। ये एक्स, एक्स हमारा क्या है, एरिया है, या फिर इधर से समझते हैं, एल इंटू बी करेंगे, एल इंटू बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एल इंटू बी करेंगे तो हमारा एक्स के बराबर होगा, होगा क्योंकि हमारा बेस का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो बेस का एरिया कितना दिया गया, एक्स दिया गया। अब हम लोग क्या निकालना है, अगर हम लोग इसका निकालते हैं सामने वाले फेस का, तो सामने वाले फेस क्या एल इंटू एच करेंगे, एल इंटू एच करेंगे ध्यान देंगे, एल इंटू एच करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, वाई निकलेगा। अब ध्यान दे रहे b इंटू अगर h करेंगे तो हमारा ये साइड वाला जो है साइड साइड वाला उसका एरिया निकल जाएगा, तो b इंटू h करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, z का निकल जाएगा एरिया बराबर। अब क्या करें ना, दोनों तरफ गुना कर दें, जो तीनों इक्वेशन है ना, तीनों इक्वेशन को आपस में गुना कर दें, इक्वेशन एक है, ये दो है, ये क्या है तीन है, ठीक है। अब तीनों को क्या कीजिए, आपस में गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार एल है, दो बार बी है, दो बार एच है, गुना हो गया, इसको गुना कर देंगे क्या जगह हमारा एक्स वाई जेड हो गया। अब ध्यान दे रहे, इसको हम लिख सकते हैं ना, एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। अब एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है, हमारा वॉल्यूम ही तो होता है ना, तो वॉल्यूम का स्क्वायर दे दिया, तो वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर इतना दिया गया, तो वॉल्यूम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। इसी चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी अगर इस तरह के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मेंस में 2020 में ये आए हुए थे क्वेश्चन इस टाइप के, कि इसका एरिया दे दिया गया था और बोला गया था क्या इसका क्या निकाले, वॉल्यूम निकाले। इस पर हमें ध्यान देना है, जब भी बोला जाएगा अगर एरिया दे दिया जाएगा तीनों फलक का, ठीक है, तीनों डिफरेंट फलक का, डिफरेंट फेस का एरिया अगर दे दी मिल जाएगा हमें, उसका वॉल्यूम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो हमारा कुछ बेसिक सा पॉइंट था क्यूब और क्यूबॉइड का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हमारा क्या, सिलेंडर, सिलेंडर को पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं क्या बेलन, ओके। बेलन दिखता किस तरह का है तो पहले वो समझेंगे, देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। बेलन हमें इस तरह का होता है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नीचे जो होता है हमारा कैसा दिखता है, नीचे वाला फिगर, नीचे के अगर फिगर देखेंगे तो क्या हमारा सर्कल की तरह होता है सिलेंडर में, सामने से देखेंगे अगर नीचे से देखा जाए तो हमारा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ये होता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या रेडियस होता है, हुआ क्योंकि रेडियस होगा ना, क्योंकि सर्कल है तो उसमें रेडियस तो होगा ही होगा, ये जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो लेंथ है हमारा क्या था, रेडियस कहलाता है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ का लेंथ रेडियस कहलाएगा, ये वाले लेंथ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हाइट होता है, इसको हाइट बोलते हैं, बस इतना सा पता होना चाहिए।
तो इसमें क्या बोलता है, अगर वॉल्यूम निकालना बोला जाएगा तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा फटाफट, आप लोग आप खुद से भी बता सकते हैं, ठीक है। आयतन क्या होगा, अभी बताया था, जिसका जो भी फिगर दिख जाए जिसका बेस और हाइट दोनों, बेस और टॉप का, बॉटम और टॉप का दोनों सेम फिगर हो, तो अगर बॉटम में देखेंगे तो क्या होगा हमारा सर्कल दिखेगा, ऊपर क्या दिखेगा वो भी सर्कल दिखेगा। जब सर्कल सर्कल दिख रहा है तो क्या होता है हमारा एरिया बेस का एरिया इंटू हाइट करते हैं, तो बेस में हमारा क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है टू पाई आर, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब एच कर देंगे मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे एच से, क्या निकल जाएगा इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या गया वॉल्यूम हो गया। फिर क्या निकालते हैं इसी में, अगर निकाला जाएगा कर्व सर्फेस एरिया बोलते हैं, उसमें क्या बोलते थे हम लिटरल सर्फेस एरिया बोलते थे, इसमें क्या बोले कर्व सर्फेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किसको बोलते पहले वो समझेंगे, वहां तो चार दीवारी हो गया था, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं ना उसे ट्राइप से लेते हैं, हम क्या करेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना हमारा ये वाला पोर्शन ध्यान देंगे, जो ये पोर्शन होता है जो हम लोग गोल गोल जो घुमा होता है जिसे समझेंगे, ये इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा क्या है एक सिलेंडर का शेप का है, ठीक है। जिसमें देखिएगा ऊपर गोल गोल है, नीचे भी क्या होगा हमारा गोल गोल बनेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है ना कर्व सरफेस एरिया ये वाला होता है, ये वाले का निकालना होता है जो जो सर्कल सर्कल है इसका एरिया, ठीक है। यही हमारा क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला है जो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा टू पाई आर एच, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी में क्या बोलेगा टोटल सरफेस एरिया बोल देगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान देंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया वहां निकालते थे, ठीक है, यहाँ कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे ना ये वाले पोर्शन अब ये वाले पोर्शन को ऐड कर देंगे, तो हमारे क्या निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। जैसे वहाँ टोटल सरफेस एरिया में से हम लोग टॉप और बॉटम घटाते थे तो लेटरल सरफेस एरिया निकलता था क्यूब और क्यूबॉइड में, यहाँ क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया में अगर हम लोग बॉटम और टॉप और बॉटम को अगर जोड़ देंगे ना तो हमारे क्या जाएगा टोटल सर्फेस एरिया निकल जाएगा। तो देखेंगे कर्व सर्फेस एरिया कितना है टू पाई आर एच है, और बॉटम और टॉप हमारा उसको जोड़ना है एरिया को, तो बॉटम टॉप में सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो गो है तो टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या जाएगा टू पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ एच प्लस आर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका कर्व सर्फेस एरिया हो जाएगा, सॉरी टोटल सर्फेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा। ठीक है, ये हमारा इसका बेसिक पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, आगे बोला था क्या होलो सिलेंडर, खोखला बेलन, ठीक है, उसे कैसे निकालते देखेंगे समझेंगे, उसका फिगर क्या होता है। दिख रहा है समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या खोखला बेलन हो गया। सिर्फ क्या करेगा ना दिखेगा क्या हमारा मेन पार्ट क्या रहेगा ये वाले पार्ट रहेगा, ये हमारा क्या सॉलिड रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा सॉलिड रहेगा, इतना पार्ट हमारा सॉलिड रहेगा, और ये पूरा पार्ट अंदर का ये खाली रहेगा, ये हमारा क्या होता है होलो सिलेंडर होता है। तो अगर इसका बोला जाएगा क्या बताइए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, तो वॉल्यूम बताने से पहले हमको समझेंगे एक पार्ट इसमें ही, मान लीजिए हमारा क्या होगा सेंटर हो गया इसका बीच में, क्योंकि ये भी तो सर्कल ही रहेगा ना होलो स्फीयर है, तो होलो अगर सिलेंडर है तो फिर भी क्या होगा उसका तो
सर्कल तो रहेगा ही नीचे बेस में और टॉप में, दोनों तो एक ही जैसा है। तो क्या हुआ हमारा, अगर ये मानते हैं यहाँ से यहाँ एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल क्या बनेगा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, दो सर्कल बनेगा क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा ना, ध्यान देंगे, इस तरह से एक बनेगा, इस तरह से एक और बनेगा क्योंकि ये वाले हमारा क्या सॉलिड हो गया, हमें इसी का निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का एक रेडियस हो गया और ये हमारा एक रेडियस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो एक छोटा आर हो गया और एक बड़ा आर हो गया, और हाइट तो सेम ही रहेगा, जो हाइट यहाँ से यहाँ है हाइट तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, अगर वॉल्यूम बोला जाएगा निकालने, वॉल्यूम बताएं इसका, हम जानते हैं इसका बताना है। तो बेसिकली तो जानते हैं क्या सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई होगा। आर अब कितना लेंगे इस पर ध्यान देंगे, अब ये नहीं समझेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ये था हमारा क्या ना, यही था ना सामने से दिख रहा था ना, ध्यान देंगे फिर से देख समझते हैं। ये था हमारा बेस में, तो ये हमारा क्या रिंग की तरह बनता था। तो इसका एरिया क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट कर देंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या आता है हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना, और इंटू क्या कर देंगे एच कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। उस तरह से क्या बोलेगा, अगर कर्व सरफेस एरिया बोला जाएगा इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर वाले का ये हो और अंदर वाले का, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ये बाहर से वक्र पृष्ठीय बनेगा, कर्व बनेगा, और अंदर से भी क्या बनेगा, कर्व बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, टू पाई आर स्क्वायर एच ना, ये होगा। अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर सॉरी टू पाई एच कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या है कर्व सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने बोलेगा तो क्या कर देंगे, फिर ऊपर वाला दोनों को जोड़ देंगे, तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे क्या जाएगा, टू पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और ऊपर वाले दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, तो क्या जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो एग्जाम में अक्सर इस तरह की इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होलो सिलेंडर से भी, खोखला बेलन से भी अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना बेसिक सा पॉइंट हमें पता होना चाहिए, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या, कौन शंकु, ठीक है, शंकु क्या होता है, जैसे शंकु हमारा क्या होता है, जैसे देखे होंगे आइसक्रीम खाए होंगे कभी, कोन वाली इस तरह के होता है आइसक्रीम, कैसा होता है ये वाले होता है ना, हम लोग खाए होंगे बचपन में, अभी भी खाते हैं, इसमें भरा जाता है भरता है, तो ये क्या होता है हमारा शंकु होता है, इसी को ही बोलते हैं कोन बोलते हैं, ठीक है, समझते हैं इसमें। ये भी हमारा क्या होगा, ऊपर में अगर देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, कोई गोल गोल होता है, देखे हम कभी खाए होंगे आइसक्रीम, या फिर जो बर्थडे कैप पहनते हैं, तो बर्थडे कैप क्या होता है हमारे, एक शंकु का शेप का होता है, तो उसमें जब देखते होंगे टोपी क्या होता है हमारा, गोल गोल सा होता है, ये भी हमारा क्या होगा सर्कल का जैसा होगा, ये हमारा क्या होगा रेडियस होगा कुछ इसका, ठीक है, ये हमारा क्या होगा हाइट होगा यहाँ से यहाँ, और ये हमारा क्या होता है ना, यहाँ से अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को अगर देखा जाए ना, ये वाले इसको बोलते हैं एल बोलते हैं, साइलेंट हाइट बोलते हैं, एल तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ये हमारा ऊंचाई हो गया, ये हो गया हमारा तिरछी ऊंचाई जिसको साइलेंट हाइट बोलते हैं, ओके। इतना पॉइंट्स होते हैं हमारे इसमें कोन में, तो ध्यान देंगे, तो अगर इससे पूछा जाएगा क्या किसका वॉल्यूम बताएं, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो सेम टू सेम किसके जैसा दिखता है ना हमारा, ये अगर देखेंगे तो हमारा एक सिलेंडर का जैसा दिखेगा, सिलेंडर का जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता कि नहीं होता ना, अगर हम लोग इसको अगर यहाँ से यहाँ पूरा जोड़ देते, अगर ध्यान दे रहे हैं, अगर ध्यान दीजिए, अगर ऐसे हम लोग इसको पूरा जोड़ देते यहाँ से यहाँ,
तो एक सिलेंडर बन जाता है हमारा। तो सिलेंडर से हम लोग काटे हैं, इसको निकाले हैं, कौन काटे हैं तो ध्यान देंगे, तो कौन काट लिया ना, तो यही बनेगा हमारा क्या, सिलेंडर से ही आंसर निकलेगा हमारा। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने आपको किया है। ओके, तो क्या होता है हमारा ना, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ओके, फिर इसे निकालेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाले निकालेंगे फिर से, जो ये वाले एरिया होगा जो इस तरह से होगा वही वाला निकालेंगे। दूसरा क्या होता है, पाई आर एल होता है, इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे ऊपर वाले जो है हमारा उसको जोड़ देंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल है, प्लस क्या कर देंगे ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लें, तो पाई और आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस आर हो गया, हमारा क्या होगा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, इसी में देखते हैं। अब इसी में ही ना कभी कभी सिर्फ क्या दे दिया जाएगा, हाइट और रेडियस दे दिया जाएगा, तो बोलेगा क्या कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, ऊंचाई और त्रिज्या दे देगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। हम लोग उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा एल एल कितना होता है, तो हम लोग अगर पढ़ेंगे उसका नहीं निकाल पाएंगे, तो एल पता करना पड़ेगा, लेंथ हाइट। ठीक है, तो एल हम लोग कैसे पता करेंगे, ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है, हाइट तो पता है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, यहाँ से अगर ये दोनों क्या होता है 90 डिग्री पर कट करेगा, 90 डिग्री बनेगा दोनों पर, ये 90 डिग्री बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, अगर इसको हम लोग ये हाइट हो गया, अगर इसको बेस मान लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है, तो यही क्या होगा, सेलेंट हाइट का बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेलेंट हाइट अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। इस चीज़ को ध्यान देना, तो यहाँ पर भी अगर लिख सकते हैं दूसरे टर्म में, तो क्या जाएगा हमारा, पाई आर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दूसरे टर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो, साइलेंट हाइट अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ये इसे निकाल लेंगे। ओके, समझ में आया इतनी पर, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर तो बोलिएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्फीयर है, जिसको गोला बोलते हैं, समझे, स्फीयर देखे ही होंगे, जो मतलब टेनिस बॉल होता है, फुटबॉल होता है, वो सब किस शेप का होता है, स्फीयर शेप का होता है। ओके, गोल गोल होता है हमारा, किस तरह से, ये इस तरह से अगर समझेंगे, अगर डायग्राम बनाएंगे 3D, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, समझने के लिए ये मैंने बनाया इस ढंग से। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 3D टाइप से दिखेगा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, स्फीयर बोलते हैं। तो स्फीयर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर बोला जाएगा निकालने के लिए, सिंपली हम लोग क्या हो जाएगा, याद कर लेंगे, कहता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया बोलेगा या सरफेस एरिया बोलेगा, एक ही चीज है, सरफेस एरिया बोलेगा या फिर टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि पूरा एक ही चीज होता है ना, अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ भी अब हमारा क्या कर्व्ड ही रहेगा, यहाँ से भी हमारा क्या कर्व्ड ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग घुमा देंगे ना इस चीज को, इधर घुमा देंगे हमारा उस शेप का बन जाएगा। ठीक है, अगर इधर घुमा दिए, इधर से घुमा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, इधर घुमा देंगे ये फिगर चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, ना ऐसा कुछ बेस है, ना ऐसा कुछ टॉप में है, कुछ नहीं है, कोई फिगर दिखेगा क्या, अगर बेस में अगर देखेंगे कोई फिगर नहीं, पूरा एक सर्कल ही दिखेगा हमारा, इसलिए हम लोग अगर कर्व सरफेस एरिया भी बोलेगा तो यही हम लिख सकते हैं,
कर्व सरफेस एरिया भी बोल देगा तो यही हमारा हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया बोल दे, टोटल सरफेस एरिया बोल दे, या सरफेस एरिया सिर्फ बोल दे, हमारा क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, समझ में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर क्षेत्रफल बोले, उसका सरफेस एरिया बोले, तो क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारा क्या था, स्फेयर था, इसी में बोलता है हेमिस्फेयर आता है। अर्धगोला, अर्धगोला भी देखे होंगे कैसा होता है, देखिएगा समझिएगा। ऐसा होता है हमारा कटोरी का शेप का, ठीक है, कटोरी देखे ही होंगे, खाए होंगे खाना वगैरह, जो खाते हैं हम लोग रोज दिन कटोरी में ही खाते हैं, वो क्या होता है हमारा हेमिस्फीयर का होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर हेमिस्फीयर का अगर बोला जाएगा कि अगर इसका बताएं हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर समझेंगे ना, तो स्फीयर को अगर बीच से काट देंगे, बीच से काट के अगर दो भाग में अलग अलग कर देंगे, वही हमारा क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया। गोला को बीच से काट दिए, दो बराबर भाग में बट गया, हमारा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो इसी का वॉल्यूम अगर बोला जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम तो हमारा बेसिकली वही होता है, वॉल्यूम में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम अगर दोगुना कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो दोगुना कर देंगे, उसको आधा कर देंगे, काट के काट रहे हैं बीच से बराबर भाग बांट रहे हैं तो आधा कर देंगे, तो हमारा क्या होता था 4π3πr³ होता है। जैसे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 2π3πr³ हो गया आयतन इसका। ठीक है, अब इसे बोला जाएगा कर्व सरफेस एरिया बोला जाएगा। अब ध्यान, इसमें कर्व सरफेस एरिया भी होगा, ठीक है, इसमें कर्व सरफेस एरिया भी होगा, इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा। ध्यान देंगे, कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये वाले पार्ट होगा, इधर से इधर जो हमारा रहेगा घुमा हुआ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको अगर घुमाने की कोशिश करेंगे चारों तरफ से, क्योंकि स्फीयर को किधर से भी घुमा देंगे तो हमारा फिगर तो सेम ही रहेगा, पर जिसको जैसे ही उलट पुलट करेंगे तो हमारा फिगर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो वही चीज है हमारा। तो हमारा कर्व कौन सा पार्ट रहेगा, यही वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, सिर्फ कर्व रहेगा, बाकी तो ये वाला पार्ट कर्व नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लैट हो जाएगा हमारा, समतल हो जाएगा ना, और बीच से पूरा पूरा काट देंगे तो कटोरा देखते होंगे ना, बीच से अगर इधर से उलट कर रख देंगे तो हमारा क्या समतल हो जाता है, तो ये हमारा कर्व कौन सा रहेगा, ये वाला भाग रहेगा सिर्फ, जो ये वाला एरिया रहेगा, तो इसका एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, टोटल का क्या करेंगे, टोटल में से हाफ कर रहे थे ना, बस हाफ कर दीजिए इसका, तो टोटल सरफेस एरिया क्या था स्फीयर का 4πr² था, उसका हाफ कर दीजिए, क्या जाएगा हमारा 2πr² हो जाएगा। 2πr² क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr², प्लस क्या कर दीजिए, ऊपर वाला जो एरिया हमारा है उसको ऐड कर दिए, तो ऊपर में क्या बन रहा है हमारा, सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, बस जोड़ दीजिए 1πr² को, तो क्या हो गया 3πr², यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे एक फ्रस्टम से आता है क्वेश्चन, जिसको हम लोग बाल्टी भी बोलते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है अगर देखेंगे शेप में, हमारा देखिएगा कैसा, ये होता है हमारा फ्रस्टम, बाल्टी बोले या ग्लास भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये कैसे निकलता है ना, कोन से, अगर कोन है हमारा है, ध्यान देंगे, अगर हम लोग कोन बनाए थे ना, ये हमारा क्या है कोन है, अगर कोन को यहां से काट देंगे, ध्यान दे, कहीं से भी काट देंगे, यहां से हम लोग काट के ये वाले पार्ट को हटा दिया, ध्यान दे रहे,
ये वाले पार्ट को हमने हटा दिया। ठीक है, ई एम आई क्या बन जाएगा, फ्रस्टम बनता है, कोण को नीचे से काट दे, फ्रस्टम बन गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे। फ्रस्टम हो गया ना, इसको कैसे करें, तो ये हमारा क्या होगा, ये नीचे सर्कल बनेगा। एक हमारा बाल्टी देखते हैं, देखे होंगे बाल्टी में क्या होता है, नीचे सर्कल बनेगा, छोटा आर होता है, ऊपर क्या होता है, एक बड़ा सर्कल होता है, तो बड़ा आर हो जाएगा हमारा, हाइट तो हमारा वही रहेगा यहां से यहां। ठीक है, अगर इसी का वॉल्यूम बोला जाएगा, वॉल्यूम बताएं तो क्या था, कौन सी काट के निकाला गया है, तो कौन कम हो जाता है, क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 लेंगे। अब ध्यान देंगे, अब स्क्वायर जो हम लोग लेंगे, जो एरिया लेंगे, तो वहां हम लोग एरिया निकालते थे क्या, पाई आर स्क्वायर लेते थे। अब एरिया क्या होगा, अब यहां आर नहीं रहेगा क्योंकि एक फेस नहीं दिख रहा है, यहां दो दो फेस दिख रहा है, तो क्या होगा ना इसका, ध्यान देंगे तो क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच होता है। एक बार बड़ा आर को स्क्वायर करेंगे, एक बार छोटा आर का स्क्वायर करेंगे, एक बार दोनों आर को गुणा करके आपस में लिख देंगे, यही हमारा क्या होता है, फ्रस्टम का आयतन होता है। ठीक है, इसमें बोला जाएगा क्या, इसका कर्व सरफेस एरिया बताएं, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल होता है। एल हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइलेंट हाइट। ठीक है, अब इसमें अगर एल का लेंथ निकालना होगा तो एल का लेंथ कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, एल का लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या करते हैं ना, यहां से एक हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां से। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो क्या हो गया हमारा, हाइट हो जाएगा एच, एच ही रहेगा क्योंकि यहां से जो भी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर एच रहेगा। ठीक है, अब इस जो यहां से यहां तक पूरा आर था, और यहां से यहां छोटा वाला आर है, यहां से यहां पूरा बड़ा वाला आर है, तो यहां से यहां का लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां का लेंथ कितना हो जाएगा, आर माइनस आर हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, आर माइनस आर हो जाएगा, होगा। अब यहां ध्यान देंगे, एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, ये साइड पता चल गया हमारा, आर माइनस आर है, ये हमारा कितना है एच है, तो एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एल बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा। तो एल को हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो अगर एल को यहाँ रखेंगे, तो अगर ये ना रख करके हम, अगर हमें ये नहीं पता हो, एल पता क्या हो, एच और आर पता हो दोनों, क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया। जब कर्व सरफेस एरिया पता है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे, नीचे वाले सरफेस ऊपर वाले सरफेस का जोड़ देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारा, पाई आर प्लस आर इंटू एल है, प्लस क्या कर देंगे, नीचे वाले का एरिया, तो नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बस यही क्या हो जाएगा इसका, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, ये थे हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, बेसिक सा फॉर्मूला में इतना पता होना चाहिए, अगर इतना पता नहीं है तो हमें चिंता की बात है, तो इतना पता होना ही चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो काफी चिंता करने की बात है, फिर तो पता होना चाहिए इतना, तो याद कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा ना, नोट डाउन कीजिएगा अपने नोटबुक में, सारे को एक एक करके सारे को फॉर्मूले को नोट करना है और सबको एक एक बार पढ़ लेना है, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर याद है तो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, इसी में ना अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, जैसे कोई भी फिगर हो, जैसे बोल देगा क्या,
कि एक कोन है, सॉरी मान लेते एक क्यूब है, बड़ा वाला क्यूब है, उससे ना छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब बनाए गए हैं। बड़े वाले क्यूब को पिघला करके, एक मेटल का बहुत बड़ा क्यूब था ठीक है, उसको पिघला करके छोटा छोटा बहुत सारे क्यूब बनाए गए हैं, तो उसकी संख्या बोला जाएगा। तो कोई भी हो, चाहे बोल देगा या तो क्यूब से क्यूब बना दिया जाएगा, क्यूब से क्यूबॉइड बना दिया जाएगा, क्यूबॉइड से क्यूब बना दिया जाएगा, कुछ भी बोल सकता है। क्यूब से बोला जाएगा कि उसको हम लोग सिलेंडर बना दिए हैं, सिलेंडर से पिघला करके उसको हम लोग स्फीयर बना दिए हैं, कोई भी बोला जाएगा ठीक है ना। तो उसका एरिया हम लोग कैसे, उसका नंबर कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ, नंबर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कुछ भी रह सकता है ना, तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर, जो दिया गया फिगर है उसका निकालेंगे, बटा क्या करेंगे, जिसका हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ आस्क्ड फिगर ठीक। जैसे कि आप, हमने अभी देखा, पूछा था आपसे कि कौन से एक क्यूब से मानते सिलेंडर बनाना है, कि एक हमारा क्यूब है ठीक है, जिसका 6 सेंटीमीटर भुजा का है ठीक है, इससे हमको पिघला करके 1 सेंटीमीटर का भुजा वाला क्या निकालना है, कोन निकालना है। इससे हम लोग 6 सेंटीमीटर वाले से पिघला करके 1 सेंटीमीटर का निकालना है, तो बोला जाएगा क्या कि इसका नंबर बताएं, कितना नंबर होगा। हम लोग पिघला रहे हैं ना, ध्यान देंगे, अब कहां से किससे पिघला रहे हैं, इससे पिघला रहे हैं, जो पिघलाएंगे उसको ऊपर रखेंगे तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या जाएगा हमारा, इसका क्या होता है हमारा, साइड क्यूब होता है, 6 का क्यूब करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 216 होगा। बड़ा क्या कर देंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा हमारा, मतलब क्या होगा, 1 हो गया, भागा दे देंगे तो क्या जाएगा, 216। ऐसे क्यूब बनेंगे, इससे हमारे बड़े वाले क्यूब से छोटे वाले क्यूब में 216 क्यूब बनेंगे, यही पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ये वाले फिगर को हमको ध्यान रखना है ठीक है, फॉर्मूले को, कि जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, जिसका निकालना है और जिसका दिया गया है, बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को नीचे रखेंगे, ये इतना समझ लेना है। बड़ा को फिगर को ऊपर रखना है, छोटा फिगर को नीचे रखना है, उसका वॉल्यूम बड़ा, उसका वॉल्यूम, क्योंकि जब भी हम लोग पिघलाते हैं ना तो उसका वॉल्यूम ही कभी नहीं बदलता है, ध्यान देंगे, उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, बदल जाएगा उसका क्या सरफेस एरिया बदल सकता है, पर कभी भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ध्यान देना है इसी बात को ठीक है। तो आज का सेशन ना इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और भी टॉपिक्स इसमें पढ़ना बाकी है, इसमें प्रिज्म पिरामिड ठीक है, और भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे ठीक है। तो आज के क्लास हम लोग इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।